दमोह जिले की देहात थाना के कोटतला गांव में देशी बम फटने से 3 बच्चे घायल हो गए। दरअसल ये तीनों बच्चे अजय आदिवासी, गोलू आदिवासी और भीगम आदिवासी गांव में ही टीपू खेल खेल रहे थे। इसी दौरान इन्हें एक गेंदनुमा आकार का बम मिलने के बाद ये बच्चे उसी से खेलने लगे, लेकिन कुछ समय बाद यह गेंद यानी कि बम फट गया और बच्चे घायल हो गए। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है। हम लोग घूम भी गए तो वो गोल सा डरा था तो हम 3 जनों ने उठाया, टीपू खेल रहे थे तो वो फट गया है। वो कुटवा वाली दवाई कहा था वहीं गए तो इन्हें वो गाँव वालों ने देखा कि क्या फूटा क्या फूटा तो वो ले आए। कितने लोग घायल हो गए आप लोग? 3 जन घर में आते जो 3 आई हो तो पड़े थे टीपू बनाए थे जो खेलने लगे फिर न पूरा मारो उन्हें मारो घर का। फिर क्या हुआ? फिर जब पड़े रहे आपको कैसे पता पड़ा के आप लोग को कैसे पता पड़ा के यहाँ पर जब घर हो कई घर में का घर हो घर आई में घर हो घर में खेला आवाज हुई थी। हाँ पुलिस का इस मामले में कहना है कि बच्चों का इलाज जारी है और मामले की जांच की जा रही है, जो भी जांच में होगा कार्यवाही की जाएगी। आज शाम 7:30 बजे जिला अस्पताल दमोह में कोटतला क्षेत्र से 3 बच्चे यहां एडमिट हुए हैं इलाज के लिए और किसी ऐसे चीज के फटने की बात बताई है। हथगोला भी हो सकता है, शुगर मार हथगोला जो जंगलों में डालते हैं सरकारी लोग, हालांकि मामूली घायल है, ज़्यादा गंभीर नहीं है। इलाज चल रहा है और जांच की जा रही है, जो भी जांच में आएगा वो कार्रवाई की जाएगी। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज। अल्फा केयर होम्यो क्लिनिक। क्या आप सर्दी जुखाम से परेशान रहते हैं? क्या आपके कमर घुटनों में दर्द रहता है? कब्ज, पाइल्स, फिसर या पेट में बनने वाली गैस से भी परेशान है? चर्म रोग, बालों का झड़ना या चेहरे पर कील मुहासे हैं? क्या आप पथरी से भी परेशान हैं? क्या आप स्त्री रोग या बांझपन से भी परेशान हैं? तो आज ही संपर्क करें डॉक्टर काजी वसीमुद्दीन, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, गौर टावर, परकोटा, सागर। हमारा नंबर है 9755338675।